दिल्ली में स्कूल स्कूल खेल चल रहा है। पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात के स्कूलों पर तंज कसते हुए ट्विटर पर बीजेपी को घेरा। उसके बाद हरियाणा में रोहतक के एक स्कूल का फोटो ट्विटर पर ट्वीट किया और बीजेपी को घेरा और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री का स्कूल है लेकिन हालत जर्जर है। उसके बाद दिल्ली में बीजेपी के सांसदों ने आम आदमी पार्टी के स्कूलों को घेरते हुए उनमें बुराइयां गिनवाई। लेकिन आपने नेता तमाम सांसदों के ट्वीट ज़रूर देखे होंगे जिसमें स्कूल की राजनीति चरम पर है। इसलिए हिंदुस्तान तहलका की टीम पहुंची है हरियाणा के कुछ स्कूलों की असलियत आपको दिखाने के लिए। क्या हरियाणा के स्कूल स्मार्ट स्कूल बन पाए या नहीं, यही हकीकत जानने के लिए हिंदुस्तान तहलका की टीम पहुंच चुकी है फरीदाबाद के सेक्टर 55 में और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अब हम जानेंगे कितने बेहतर हो पाए हैं यहाँ के स्कूल। चलिए मेरे साथ। अब स्कूलों में एडमिशन्स जो है वो हो रहे हैं और यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, एडमिशन कराने के लिए आए हैं। आपका नाम? राहुल शर्मा। राहुल, यहाँ पर आप एडमिशन करा, कितने बच्चे हैं आपके? मैं अपनी नीस के लिए आया हूँ एडमिशन के लिए। नीस के लिए आए? हाँ जी। तो अभी कौन सी क्लास में है वो? शी इज़ इन 8th, अभी 9th में मूव हुई है, पास आउट। तो अभी तक कौन से स्कूल में थी, प्राइवेट या गवर्नमेंट? दिल्ली में थी वो। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं नहीं, प्राइवेट स्कूल में थी। प्राइवेट स्कूल में। तो स्कूल आपका चेंज कराने का मकसद और प्राइवेट से अब गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न? एक तो रीज़न दिल्ली से फरीदाबाद शिफ्ट हो गए हैं, देन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा स्कूल का एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स, और फीस काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट स्कूल्स, और CBSE इससे एफिलेटेड हो गया, तो दैट इज़ अ बिग रीज़न एज वेल। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बेटर दैन गवर्नमेंट स्कूल, वो देखिए हर किसी का अपना है, हर स्कूल में बच्चे हैं, जिसको जहाँ सूट करता है, जो फिट होता है, तो हर किसी पे अपना बच्चा वहाँ डाल देता है। वो स्कूल तो सारे अच्छे, एजुकेशन तो हर कहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कोई भी स्कूल बना और खाली है, बच्चे तो हर स्कूल में ही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो हर स्कूल किसी न किसी पेरेंट्स को फिट हो ही रहा है ना, एज पर हिज रिक्वायरमेंट। और क्या नाम है आपके नीस का? वैभवी शर्मा। वैभवी, और कौन सी क्लास में एडमिशन करा रहे हैं? 9th के लिए। 9th के लिए। तो चलिए अब प्रिंसिपल के पास चलते हैं। प्रिंसिपल हैं सत्येंद्र सौरथ। मे आई कम सर? एक्सक्यूज मी। तो हम प्रिंसिपल के पास आ चुके हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो आपके स्कूल के बारे में सुना और आपके स्कूल में विजिट करने के लिए आए, तो कुछ सवाल करते हैं और बैठते हैं, बात करते हैं। तो सत्येंद्र जी हैं, ये स्कूल कब से इसकी नींव रखी गई सत्येंद्र जी? ये स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत पहले बन गई थी 2010-11 के आसपास, लेकिन स्कूल स्टार्ट हुआ था 2016 नवंबर में। उसके बाद 2017 अप्रैल से इसमें क्लासेस स्टार्ट हुई थी, एडमिशन्स पहली बार हुए थे 2017 अप्रैल में। तो तब से यह विद्यालय लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पहले साल में 100 के लगभग एडमिशन हुए थे, उसके बाद अगले साल तो यहाँ पर एकदम भीड़ उमड़ पड़ी, जिस तरह हमारे स्टाफ के सदस्यों ने, अध्यापकों ने मेहनत की और जो अनुशासन यहाँ पर दिखाया, और बच्चे जब यहाँ से निकल कर जाते थे तो आपस में अभिभावक चर्चा करते थे कि भाई ये कैसा स्कूल खुल गया है, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ के निकलते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, तो ये कैसा स्कूल खुल गया है। तो जब दूसरे साल हमने फॉर्म निकाले तो यहाँ पर भीड़ लग गई हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा, तो फिर ये स्टाफ कम था तो भी 400 की स्ट्रेंथ तक हम ले गए इसको जी। फिर उसके अगले वर्ष 700 तक की स्ट्रेंथ ले गए और अभी 1000 से ऊपर इसमें स्ट्रेंथ है, और सारे कमरे जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम पूरा यूज़ कर रहे हैं जी। तो सत्येंद्र जी, अभी बाहर कुछ पेरेंट्स थे, उनसे मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से वो अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा रहे हैं। एक उसका फैक्टर ये भी है कि यहाँ CBSE एफिलिएशन है अभी जी। तो बाकी अगर मैं पूछूँ कि आपके स्कूल में ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जो अभी भी स्कूल को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं गुम है? देखिए जी, जो आपने एक CBSE वाली बात कही उसको भी मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड था, तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभिभावक आते थे, बच्चे आते थे एडमिशन के लिए, और CBSE होने के बाद शायद और 10-20% की बढ़ोतरी हुई होगी। तो आज के समय ये विद्यालय बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और जैसा कि आप कमियों की बात कर रहे हैं तो कमियाँ तो हमेशा रहनी ही हैं, क्योंकि जैसी डिमांड है उसके हिसाब से हमें बिल्डिंग और मिल जाए तो हम इसको 1000 को स्ट्रेंथ को 2000 ले जा सकते हैं, और मिल जाए तो 4000 ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ष के अंदर हम इसमें स्ट्रेंथ 4000-6000 ले जा सकते हैं यदि हमें
पूरी बिल्डिंग मिल जाए तो। तो पूरी बिल्डिंग कब तक मिलेगी? यह बिल्डिंग का अभी हमने सरकार को डिमांड भेजी हुई है, उसमें समय लगता है, पहले बजट अलॉट होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट छूटता है और फिर कंस्ट्रक्शन होती है, तो समय तो इसमें लगेगा। तो इसके लिए हम समय बोला है गवर्नमेंट ने, उसमें तो गवर्नमेंट से ऐसी कोई हमारी बात नहीं हुई, हमने तो अपना पत्र भेज दिया है, उसके बाद तो समय जो प्रोसेस में लगता है। पत्र तो हम पिछले वर्ष से भेज रहे हैं और इस वर्ष भी भेजा है। कोई जवाब आया? जवाब नहीं, हमें बुलाया गया है, हमें डायरेक्टरेट में हमारे अध्यापक एक सीनियर वाइस प्रिंसिपल जो यहाँ से गए थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी विषय रखा था, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी करेंगे, ऐसा कहा है। तो अभी हम प्रिंसिपल ऑफिस से जिस तरीके से जा रहे हैं स्कूल विज़िट के लिए, यहाँ क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर भी हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस बाला एक्टिविटी की वो बात कर रहे थे, ये वो बाला एक्टिविटी है जो दीवारों पर ये प्रिंटिंग की गई है, जैसे इसमें सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैपिटल है, मानव शरीर रचना कंकाल तंत्र, यानी कि ये पूरा जो बच्चे ताकि टहलते टहलते पढ़ सके, यही समझाना चाहते हैं बच्चों को। हाँ जी, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को भी एक सीखने की सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सके, ये बाला एक्टिविटी होती है। तो इस बाला एक्टिविटी के अंतर्गत देखेंगे आप, यहाँ फिजिकल यूनिट्स हैं, इधर एसिड में एसिड न्यूट्रल बेस, जो बच्चों को पीएच वैल्यू समझाई जाती है कि कौन सा एसिडिक हो जाएगा, कितने लेवल पर, 7 पर न्यूट्रल होता है तो उससे ऊपर होता है एसिडिक हो जाएगा, नीचे आएंगे तो बेसिक हो जाएगा। ये कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, एक सीसीटीवी कैमरा, टोटल कैमरा कितने हैं स्कूल? हमारे स्कूल में 16 कैमराज हैं जो पूरे कंपाउंड को कवर करते हैं। जी, तो आगे चलते हैं, बाकी और लैब की तरफ चलते हैं और क्लासेस आपको दिखाते हैं कि क्या क्लासेस है और कैसे वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं। जिस डिजिटल इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो डिजिटल इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी आ गई है, लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र जी मतलब बंद है डिजिटल इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, कारण? आइए मैं अंदर से दिखाता हूँ इसको आपको। जी, आप देखिए, ये डिजिटल इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, इसमें एक मदर यूनिट होती है, उससे टीचर बच्चों को काम देते हैं, सब बच्चे अपने अपने वर्क स्टेशन पर बैठ करके उसको सॉल्व करते हैं, उसके पास सारी टीचर के पास रिपोर्ट आ जाती है कि कितने समय किसने क्या किया, गलत किया, ठीक किया, वो सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ देख रही हूँ तो पूरी तरीके से पैक है, ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत टाइम से खुले ही ना हो। अभी इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। कब? इसका 2 साल पहले लाइसेंस एक्सपायर हो गया था और अभी ये चल नहीं रहा है, वर्किंग में नहीं है। हमने ऊपर विभाग को लिखा है कि भाई इसका क्या किया जाए। जी। तो अभी कोई जवाब आया नहीं है और लाइसेंस रिन्यू भी नहीं हुआ है। हमने कंपनी से बात की तो कंपनी ने कहा कि भाई ये तो गवर्नमेंट यदि हमें कहेगी तो हम लाइसेंस रिन्यू करेंगे, तब आपको हम सॉफ्टवेयर आगे चला कर देंगे। बताया था 2017 में स्कूल ओपनिंग हुई थी। जी। तब से कितने साल तक चली ये? 2018-19 एक साल चला है ये, बस उसके बाद अब तक नहीं चला। अब तक नहीं चला, उसके बाद ये बंद हो गया। यानी कि ये तो क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम जो कंप्यूटर्स हैं, ये सब वेस्ट है। हाँ, अभी इसका हम कुछ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और अब सरकार यदि कुछ चाहेगी, उसको किसी तरह से मॉडिफाई कराए या उसी कंपनी से इसका लाइसेंस रिन्यू कराए तो हम इसका ठीक से उपयोग कर पाएंगे। एक साल हमने बहुत अच्छा इसको उपयोग किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इंग्लिश को इसके माध्यम से सीखा, हमारे टीचर्स ने भी पूरा इंटरेस्ट लिया। अभी इसमें देखेंगे आप, यहाँ AC लगा हुआ है, ये प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है और ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इसका ज़्यादा हम उपयोग अब नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे? हाँ, मतलब दूसरे कॉन्फ्रेंस के लिए और कामों के लिए उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज लैब के रूप में हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन अभी वो वेस्ट है, उपयोग में नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। मैं कमेंट सर, तो अब यहाँ के स्कूल्स में हम आ चुके हैं और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। थैंक यू एंड सिट डाउन। तो आई एम सॉरी सर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम देशराज है। तो देशराज जी, किस चीज़ की क्लास चल रही है यहाँ पर? बिजनेस स्टडी क्लास चल रही है। बिजनेस स्टडी जी। तो ये है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, बाकी ड्रेसेस से मुझे नहीं लग रहा है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, ड्रेसेस यही है सब बच्चों जी, ये हाउस ड्रेस है इनकी। और जैसे ये बच्चे एक बार खड़े हो ना,
ये हमारी रेगुलर ड्रेस है और दो दिन हमारे जो हाउस ड्रेस है वो टी शर्ट में आते हैं, बाकी के चार दिन बच्चे इस ड्रेस में आते हैं। तो इसमें क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में असल में क्या है कि यहाँ जो पोस्ट के हिसाब से टीचर कम है, मैं अकेला टीचर हूँ और हमारे यहाँ पर चार सेक्शन हो जाते हैं, तो ये दो सेक्शन मैंने कंबाइंड बिठाए हुए हैं। दो सेक्शन? हाँ, 80 बच्चे हैं, 40 का एक हमारा सेक्शन है, इन दोनों सेक्शनों को मिलाकर हमारे 80 बच्चे हैं जिनको मैं इकट्ठा ही मुझे पढ़ाना पड़ता है। स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर चालू है अभी? ये मैडम मेरे अपने बनाए हुए PPT है, इसमें ये वीडियो मेरा खुद का अपना नोट्स बनाए, हाँ खुद मेरा बनाया हुआ है, वहाँ फोटो मेरा ये लेकिन मैं इससे चलाता नहीं, केवल इनको खुद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले बच्चे इसे सुनते हैं, इसके बाद में जब इनका डाउट होता है तो मैं खुद इन पर इनको क्लियर करता हूँ, तो इसका बड़ा अच्छा बच्चों को एक रुचि लगती है, बच्चे को एक आनंद आता है कि भाई हाँ इसमें हम एक स्मार्ट क्लासरूम पढ़ रहे हैं, तो इस बोर्ड का भी पूरा सही उपयोग होता है जी। तो मैं कुछ बच्चों से बात कर सकती हूँ? आपका गुड नेम? माय नेम इज़ आशु, आई एम फ्रॉम 12th सेक्शन सी कॉमर्स। तो कैसी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और जो पुराने टाइम में होता था ना गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट स्कूल, उससे तो बहुत अच्छा स्कूल। पुराने टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में पहली बात तो इंग्लिश मीडियम होता नहीं था, हिंदी मीडियम ही होता था। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी पढ़ाई की कराई जाती है, यहाँ पे टीचर भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी वो मतलब टीचर्स को भी काफ़ी नॉलेज है, तो उससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सेकेंड क्लास के ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है आपका? महक। किस क्लास में हैं आप? सेकंड में। तो महक आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? डॉग। टीचर का क्या नाम है आपकी? पंकज सर है। आपको संडे मंडे आते हैं? यस। सुनाइए। संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे की स्पेलिंग बताइए। TUNEDER। अच्छा, आप बताइए संडे की स्पेलिंग। SUNDAY संडे। ट्यूजडे की? TUESDAY। वेरी गुड। आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हम ड्राइंग। ड्राइंग, ये क्या क्या बनाया आपने? ये क्या है? फ्लैग। फ्लैग है। फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं? ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ग्रीन। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? प्रियांशी। जब पूरा देश अब डिजिटलाइजेशन की राह पर चल रहा है तो स्कूल क्यों नहीं, और इस वक्त हम बायोड लैब में पहुंच चुके हैं, यानी कि ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। यहाँ पर बच्चे आपको दिख रहे हैं टैब यूज़ करते हुए। गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी आपको। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ दीपक वशिष्ठ। तो दीपक जी, बायोड लैब किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? एक्चुअली दिस इज़ बायोड लैब ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसमें हमारे पास वी हैव 20 टैब्स एंड द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज 20। जिस डिवाइस में टैब्स के अंदर हमारा सारा डाटा प्री इंस्टॉल्ड है जो कि हमें डिपार्टमेंट से मिला है, एंड स्टूडेंट्स वी टीच द कॉन्सेप्ट यूजिंग दिस डिजिटल बोर्ड, एंड देन स्टूडेंट कैन डू देयर ओन, वो अपना खुद का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं टैब की हेल्प से। उस टैब के अंदर आपको कुछ वर्कशीट्स भी मिलेंगी, कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, तो वो स्टडी मटेरियल वो अपने रिव्यू के लिए जो टॉपिक हमने यहाँ क्लासरूम में कराया है उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद कुछ वर्कशीट्स और कुछ टेस्ट वो अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो टैब बायोड लैब है वो कब से स्कूल में आई है, कब से पॉलिसी? इस बायोड लैब को यहाँ आए हुए 1.5 ईयर्स हो चुका है, और कोविड जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ है, बच्चे यहाँ जैसे आए उसके बाद हमने इसको फंक्शनल कर दिया है। जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों को लेकर BJP और आपके बीच राजनीतिक जंग, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, ऐसे में जब हिंदुस्तान तहलका की टीम हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ये जानने पहुंची कि कितना स्मार्ट हो पाया स्कूल, तो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से एक एक चीज़ यहाँ की दिखाई कि स्कूल बहुत बदले हैं, स्कूलों में बदलाव हुआ है, डिजिटलाइजेशन जो है स्कूलों में हुआ है, स्मार्ट क्लासेस हैं, लेकिन कुछ हद तक अभी भी चीज़ें में बदलाव होने की ज़रूरत है, और आशा यही करते हैं कि राजनीति से परे हटकर ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए कि कैसे हम बच्चों के शिक्षा को और
बेहतर कर पाए और शिक्षा के मंदिर स्कूल को किस तरीके से और बेहतर कर पाए ताकि बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। अब स्कूल को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक स्कूल नहीं बल्कि हम ऐसे और कई स्कूल दिखाएंगे और जानेंगे कि वो स्कूल कितने स्मार्ट हो पाए हैं, उन स्कूलों की हकीकत आखिर क्या है। तमाम ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। नमस्कार।